देश एक टैक्स, कैसे लागू होगा जीएसटी, कैसे बदलेगा कारोबार का तरीका और कैसे बदलेगी आपकी जिंदगी। कोई भी चीज जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होता है तब तो समझ में नहीं आता कि इसका क्या रिजल्ट निकलेगा। इनकी जटिलताओं को समझ खत्म करना जरूरी है और हम लोग को व्यापार करने में जो सुगमता चाहिए वो आनी चाहिए। जो हमारा राज्य है उत्तराखंड, उसके अंदर पहाड़ी वर्ग इतना है जो अनपढ़ है, जिसको किसी चीज का ज्ञान ही नहीं है, जो दुकानदार भाई है जो कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है। ये सिर्फ एक फियर है आप लोगों की, धीरे धीरे अपने आप आदत बन जाएगी। जीएसटी एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है जिसमें एवरीथिंग इज गोइंग ऑन डिजिटल। सारे लफड़े खत्म हो गए, एक जगह टैक्स हो गया, ये सही से टैक्स सरकार के पास पहुँचेगा। अगले 30 मिनट में हम पूछेंगे जीएसटी पर तमाम सवाल। मंच पर होंगे मोदी सरकार के मंत्री और टैक्स कमिश्नर, और उनके सामने होंगे इंडस्ट्री के प्रतिनिधि और लीगल एक्सपर्ट। बने रहिए हमारे साथ, जीएसटी एक देश एक टैक्स। सभी के जुबान पर है जीएसटी एक देश एक टैक्स, और इस नारे के साथ देश का सबसे बड़ा टैक्स सुधार कहा जाने वाला जीएसटी 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। 30 जून की रात संसद में ग्रैंड इनॉग्रेशन के साथ हमारा देश इनडायरेक्ट टैक्स का एक नया अध्याय शुरू करेगा। लेकिन एक बदलाव है, और जब भी बदलाव होते हैं तो तमाम सवाल भी उठते हैं, और जीएसटी से जुड़े हुए कई सवाल इनके स्टेक होल्डर्स पूछ रहे हैं, और इन्हीं सवालों का जवाब देने की हम कोशिश कर रहे हैं अपने इस खास शो के जरिए। और मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल जी। पीयूष जी नमस्ते, स्वागत है आपका। वो अध्याय जिसकी शुरुआत मैं कहूंगी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रजीम में आकर इसे एक पूरी तरह से आप फॉर्मली इसे देश को दे रहे हैं। हम कितने जीएसटी रेडी हैं, क्योंकि हम कहीं देख रहे हैं कपड़ा के जितने कारोबारी हैं वो नाराज नजर आ रहे हैं, कहीं मार्बल उद्योग वाले नाराज हैं, तो कितने जीएसटी रेडी हम दिख रहे हैं पीयूष जी? देखिए, जीएसटी एक सबके सामूहिक प्रयत्नों से फैसले लिए गया रिफॉर्म है। सभी पार्टी देश भर के सभी राज्य इसमें सम्मिलित हुए, और मैं समझता हूँ सबने अपने अपने विषय को जीएसटी काउंसिल में रख के एक यूनैनिमस डिसीजन लेने की जो नई प्रक्रिया इस फेडरल संघीय ढांचे में नई शुरुआत हुई है, ये बहुत स्वागतीय है। तैयारी पूरी तरीके से है, टेक्नोलॉजी हो, उसका सिस्टम हो, टैक्स कलेक्शन का सिस्टम हो, सब में तैयारी पूरी तरीके से। स्वाभाविक है, इतना बड़ा बदलाव जो इतिहास में सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आर्थिक जगत की करने जा रहे हैं, तो थोड़ा समय लगेगा लोगों को समझना, सीखना, आदत बनना। कई ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक आदत ही नहीं है रिकॉर्ड रख के अपने टैक्स कैलकुलेट करके पे करने की, उनको इस नई व्यवस्था में पे करना पड़ेगा टैक्स। अलग अलग जगह से डेटा कंपाइल होने से अब संभावनाएं बहुत कम रह गई हैं कोई अपनी टैक्स की चोरी कर पाएगा। ऐसी परिस्थिति में कंपटीशन सुधर जाएगा, दाम वस्तुओं के दाम भी कम होने की संभावनाएं बढ़ेंगी, कंपटीशन आपकी गुणवत्ता पे होगा, आपकी सेवा कितनी अच्छी है, आपका सामान कितना अच्छा है, बजाय के आपकी टैक्स चोरी करने की काबिलियत। जी गोयल जी, अगर हम बात करें उन देशों की जहां जीएसटी लागू है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहां पर जो हमें पता चल रहा है कि जब जीएसटी लागू हुआ तो पहले एक साल महंगाई खूब बढ़ी और फिर जाके धीरे धीरे नॉर्मलाइजेशन की तरफ ये देश बढ़े, तो भारत में भी सभी को अपनी जेब की फिक्र रहती है, क्या उनके पैसे अब ज्यादा खर्च होने वाले हैं इस जीएसटी के लागू होने के बाद, महंगाई दर को आप किस तरह से देखेंगे? मुझे नहीं लगता ये चिंता है, क्योंकि उनकी जो कार्य पद्धति जीएसटी लागू करने की उसको स्टडी करके भारत में क्या उसकी सेफगार्ड करे वो हमने ऑलरेडी सुनिश्चित किया है। कंप्यूटर प्रोग्राम्स के द्वारा ये देखी जाएगी कि कोई वस्तु का दाम कोई एग्जॉर्बिटेंटली ना बढ़े या बढ़े ना, क्या प्रॉपर इनपुट टैक्स का क्रेडिट दिया जा रहा है जब जीएसटी लगाता है कोई व्यक्ति बेचते वक्त, इन चीजों के लिए एक एंटी प्रॉफिटियरिंग लॉ साथ में बनाया गया है, जिसमें अगर कोई वस्तु पे पता चले कि बेचते वक्त इनपुट क्रेडिट नहीं दिया गया है तो उसमें सरकार दखलअंदाज कर सकेगी, जीएसटी के अधिकारी उसमें रोक लगा पाएंगे। यानी मुझे लगता है महंगाई की चिंता नहीं करने की आवश्यकता है,
जी एंड कंज्यूमर तक इनपुट टैक्स क्रेडिट का जब फायदा मिलेगा आपको लगता है ये उन तक पहुंचेगा। लेकिन आपने बात की एंटी प्रॉफिटियरिंग की और इसे लेकर मन में कई ट्रेडर्स बिजनेसमैन ये सवाल करें कि कहीं इससे इंस्पेक्टर राज तो नहीं बढ़ जाएगा। इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि इसका जो डेटा है वो डेटा माइनिंग भी कंप्यूटर के डेटाबेस में से आएगा। कोई अधिकारी बैठ के एक एक रिकॉर्ड किसका चेक नहीं करने वाला है। तो जो ट्रिगर पॉइंट्स है वो ट्रिगर पॉइंट्स भी कंप्यूटर द्वारा निकलने के कारण मुझे लगता है हैरेसमेंट की कोई चिंता नहीं है। और मैं विश्वास दिलाता हूं भारत के सभी उद्योग जगत व्यापार जगत से जुड़े हुए लोगों को कि अगर किसी को कोई ऐसी हैरेसमेंट की दिक्कत जरा भी महसूस हुई तो तुरंत अपने लोक प्रतिनिधि या अधिकारी सीनियर अधिकारी को बताएं। वी विल इंश्योर कि किसी प्रकार की हैरेसमेंट किसी को नहीं होगी। मुझे याद है जब ज्वेलर्स के ऊपर एक्साइज लगी थी तब भी इस बात की बड़ी चिंता थी, कई लोग भयभीत थे, इसलिए कुछ लोगों ने हड़ताल की, कुछ समय तक अपना व्यापार भी रोका। मैंने स्वयं अपना नाम दिया, नंबर दिया पूरे अधिकारी और पूरे ट्रेड एसोसिएशंस और ज्वेलरी ट्रेड के लीडर्स को कि किधर भी कोई किसी को गलत दिक्कत आए, कोई हैरेसमेंट हो तो मुझे बताना। एक साल में एक भी व्यक्ति का कंप्लेन नहीं आया। जी पीयूष जी, मेरे पास कुछ सवाल भी हैं, पर एक सवाल पहले ये बता दीजिए, बिजली का बिल जो है वो बढ़ेगा तो नहीं? कोल सस्ता होने वाला है, बिजली का बिल तो सस्ता होना चाहिए। ऐसा है कि बिजली में जीएसटी लगभग टैक्स न्यूट्रल रहा है, कुछ फायदा ही हुआ है। कोयले में से मात्र 5% जीएसटी होने से मुझे लगता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को जो बिजली देते हैं उन कंपनियों को संभावना होगी कि बिजली के रेट्स कम करें। अब डिस्कॉम से आगे कंज्यूमर को बिजली के कम दाम का लाभ वो स्टेट के जो रेगुलेटरी कमीशन है वो तय करते हैं। वो हम उनको एडवाइसरी दे रहे हैं कि जहां जहां पे इसका लाभ मिल सकता है और जो डिस्कॉम जिसको पास कर सकने की क्षमता में है वो जरूर अवश्य किया जाए। इसमें ये ध्यान रखें कि कस्टमर को लाभ दोनों तरीके से होते हैं, एक तो बिजली का रेट कम हो, दूसरा बिजली का रेट ज्यादा बढ़े ना। आज की जो व्यवस्था है जिसमें कई डिस्कॉम लॉस में चल रही है, हर साल अनाप शनाप बिजली के बिल बढ़ा करते थे 2014 तक, आप पिछले 3 वर्षों का निकालिए, हमने इतना सुधार किया है बिजली क्षेत्र में, कोयला क्षेत्र में, कि बिजली के बिल कोई अनाप शनाप बढ़े नहीं है देश। ठीक है, तो कंट्रोल रहेगा यहाँ पर। लेकिन अब सुनते हैं अमरदीप का सवाल, एक छोटे दुकानदार है और अमरदीप का सवाल पीयूष के सामने रखते हैं, अमरदीप को सुनते हैं। तो ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इतने सारे इश्यूज आ रहे हैं अभी जीएसटी के लिए कि कई डिस्ट्रीब्यूटर्स ने तो बिलिंग भी बंद करी हुई है, प्लस वी डोंट नो कि कौन से प्रोडक्ट पे कितना लगेगा, डेली नई स्टेटमेंट्स आती हैं, तो फाइनली इसका हम जैसे छोटे दुकानदारों पे क्या फायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है, सर ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे। तो ऊर्जा मंत्री, क्योंकि आप बाय प्रोफेशन सीए भी हैं, तो समझाइए अमरदीप के लिए क्या है जीएसटी में। अमरदीप जी, सबसे पहली बात तो अगर आप छोटे दुकानदार हैं तो और आपका टर्नओवर 20 लाख से कम है तो आपको तो जीएसटी लागू होने ही नहीं वाला है। अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से 75 लाख तक है और आप सिर्फ ट्रेडिंग करते हो, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं हो, तो आपको तो सिर्फ सेल्स की डिटेल्स रखनी है और 3 महीने में एक बार टोटल सेल्स कितना हुआ ये डिटेल फाइल करके आपको उस पर सिर्फ 1% टैक्स भरना है। तो आपको तो कोई चिंता ही नहीं करनी है किस सामान पे क्या रेट है क्या नहीं है। आपके लिए इतना सरल कॉम्पोजिशन स्कीम बना दिया गया। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते तो भी आपको 20 लाख तक कोई टैक्स नहीं भरना, कोई रजिस्टर नहीं करना। 20 से 75 लाख तक है तो आपको मात्र 2%। चलिए, तो इनको कॉम्पोजिशन स्कीम का फायदा मिलेगा। नोएडा से अमित गुप्ता का सवाल अब सुनाते हैं आपको। सर ये मैं पता करना चाहता था, जैसे हमारा साल का 20 लाख का टर्नओवर बताया गया अभी छोटे व्यापारियों का, तो ये पता करना जिस चीज़ पे जीएसटी नहीं है जैसे पैकिंग आटे वगैरह पे और दाल वगैरह पे खुली पे, तो वो भी टर्नओवर में पक्के भी लेते हैं तो वो भी टर्नओवर में जुड़ेंगे हमारे या नहीं जुड़ेंगे? पीयूष जी बहुत ही टेक्निकल सवाल है। फुल टर्नओवर देखा जाएगा चाहे वो टैक्सेबल हो या नॉन टैक्सेबल प्रोडक्ट हो। हर एक का प्रोडक्ट का टर्नओवर गिन के अगर आप 20 लाख से क्रॉस कर जाते हैं तो आपको जीएसटी में रजिस्टर करना पड़ेगा। फिर 20 से 75 तक आपको फिर भी लाभ मिलेगा, 75 के ऊपर जाएंगे तो ही आपको आइटम वाइज रेट के हिसाब से पे करना पड़ेगा और उसका क्रेडिट आपको पूरा मिलेगा।
एक सवाल जो हमें ईमेल से आया है, ये जिनका है वो एक जिम चलाती हैं, क्रॉसफिट सेंटर है इनका, बेंगलुरु में रहती हैं मिताली, और ये समझना चाहती हैं कि जीएसटी का असर कैसे पड़ेगा इनके कारोबार में। पीयूष जी, क्या चलाती हैं? मैं जिम है इनका, जिम तो यानी ये सर्विस के दायरे में आएंगी, सर्विस सेक्टर से जुड़ी होंगी। जिम्नेशियम में वो अभी तक सर्विस सेक्टर के दायरे में रही होंगी। अब अगर उनका टर्नओवर 20 लाख तक है तब तो उनको कोई जीएसटी में रजिस्टर नहीं करना है, जिम के लिए भी, सर्विसेज में भी 20 लाख रुपए तक एग्जेम्पशन है। 20 लाख से अधिक अगर उनका सर्विसेज में टर्नओवर है और जिम में वो मंथली मेंबरशिप लेती होंगी या स्ट्रीम सोना वगैरह फैसिलिटीज की चार्ज करती होंगी, अगर 20 लाख से ज्यादा है तो जो भी अप्रोप्रिएट रेट उस पर डिफाइंड है, शायद 18% है, तो 18% के हिसाब से उनको जितना टोटल सेल्स है उस पर लगेगा। लेकिन जितनी सर्विसेज वो लेती है, समझो उन्होंने जिम का इक्विपमेंट खरीदा, ट्रेडमिल खरीदी, क्रॉस ट्रेनर खरीदा, सोना इक्विपमेंट खरीदा, किसी से कॉन्ट्रैक्ट पे हाउसकीपिंग सर्विसेज कराए, कुछ रिपेयर करवाया कोई सामान तो उसका बिल हुआ, इन सब में जो उनको टैक्स लग के सुविधाएं आएंगी, बिल्कुल, तो सारे खर्चों की भी सूची उन्हें रखनी होगी, इनपुट क्रेडिट मिलेगा, बिल्कुल इनपुट क्रेडिट के हकदार होंगे। धन्यवाद पीयूष जी, बहुत अच्छा लगा, आप केवल ऊर्जा मंत्री के ही तौर पर नहीं बल्कि सीए की तरह भी हमारे दर्शकों के लिए जीएसटी को आसान बनाया।